चैनल गाइस, आज हम लोग एक गांव में आए हैं और ये है लोकेश भाई हाय बोलो, और ये है धीरज भाई। सो गाइस, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं गाइस, इसलिए कि आज गांव में आए थे घूमने के लिए और आज ही एक ब्लॉग शूट करने का मूड हुआ। और गांव का लोकेशन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और आज हमारे गाँव में क्या बोलते हैं कि धूप भी बहुत अच्छे से निकला है, इसलिए तो हम लोग थोड़ा सा ठंडी है बट धूप भी निकला है, तो इसलिए आज सोच रहे हैं कि आज चल के आप लोगों को गाँव का नज़ारा भी दिखाएँ और ब्लॉग भी शूट करें, और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, क्या एंजॉय होता है, क्या मस्ती होती है, सब दिखाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं ताल के पास, जो यहाँ पे बैदाह खास सोमखरी में एक खो तालाब है, मतलब ताल है जिसको बोलते हैं ताल, और वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, अभी वीडियो में बने रहिएगा, तब तक चलते हैं आगे का कार्यक्रम। और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी अजीब नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे गेहूँ वगैरह लगा दिया गया है और काफ़ी अच्छा नज़ारा। और गाइस, ये लोकेश भाई इधर जा रहे हैं। गाइस देखिए, एक छोटा बच्चा लकड़ी लेके जा रहा है अपने घर पे और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है, वो चप्पल उसका छूट गया, वही पहन रहा था। हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो बाबू, इधर हेलो बोलो। भाई गिर गया, तुम्हारा रुक जाओ, हम मदद करते हैं। हाँ देखिए, धीरज भाई मदद कर रहा है। गाइस रास्ते में चलते चलते बेचारा का लकड़ी गिर रहा था, इसकी वजह से धीरज भाई और क्या बोलते हैं हेल्प कर रहा है। और गाइस, आप लोग भी अगर कोई फंसता गिरता हुआ नज़र आ रहा है तो आप लोग उसको ज़रूर हेल्प करिएगा। और ये कुछ आंटियाँ जो हैं कि अपनी गाय भैंस बकरियाँ लेके जा रही हैं, दादी भी देखिए बकरी लेके जा रही हैं अपना। और गाइस धीरज भाई अभी देखिए, अभी उनका हेल्प कर रहा है। गाइस देखिए इधर पे, क्या धीरज भाई हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो धीरज भाई को, क्या बोलोगे? धन्यवाद बोलोगे? धन्यवाद बोल दो, धन्यवाद। तो गाइस, गांव का काफ़ी अलग ही नज़ारा होता है। गांव में कभी आप लोग विजिट करिए और काफ़ी अच्छा नज़ारा लोकेशन लीजिए। गाइस देख लीजिए, अभी इधर पे इधर सरसों वगैरह भी लगा हुआ है और प्लस से इधर धूप भी है काफ़ी अच्छे से, एक भैया भी जा रहे हैं इधर पे। और गाइस इधर देख सकते हैं, इधर पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और बहुत ही इंजॉयमेंट लोकेशन है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एक भैया और चाचा जो हैं लकड़ी काट रहे हैं, और ये अल्तमस भाई हमारा जा रहा है। कहाँ जा रहे थे भाई? तगादा गए थे, किसके यहाँ? गाइस देखिए, स्कूटी भी काफी अच्छी लग रही है। तो वीडियो में क्या करना चाहोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहोगे? नहीं, फॉलो सब्सक्राइब लाइक कुल कर दो, कुल कर दें। चलते हैं। हाँ भैया। धीरज भाई और लोकेश भाई कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग आपस में? अच्छा गाइस, ये देखिए मेरी वीडियो देख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। वाओ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सीन करने के लिए। तो गाइस मैं क्या कहना क्या चाहोगे, तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताल के पास। गाइस देख सकते हैं ताल के पास, देखिए यहाँ पे तिरंगा ध्वज लगाने के लिए एक इधर पे मतलब मंच बनाया गया है, इसी पे तिरंगा ध्वज लगाया जाता है, स्कूल का है। तो गाइस देखिए, ये है ताल, ये ताल आप लोग देख सकते हैं। इधर पे मैच वगैरह हो रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे लोग उधर देख सकते हैं, आप लोग मैच खेल रहे हैं, चलते हैं उन लोग सभी। अभी मैं आ चुका हूँ ताल के पास, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। तो गाइस अभी वो आज संडे के दिन बंद है और संडे के दिन स्कूल बहुत सारे मतलब जितने स्कूल हैं सब बंद रहती हैं। गाइस देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय है, मैं अंदर से तो दिखा नहीं सकता आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे ताला बंद किया गया है। वैसे तो आप लोग को देखने में नज़र आता ही होगा कि स्कूल है कि क्या है। गाइस देखिए, कुछ भाई लोग उधर पे मैच खेल रहे हैं। गाइस देखिए, दो फील्डिंग करने वाले उधर खड़े हैं और कुछ लोग उधर पे बॉल वगैरह, देखिए गाइस वो बॉल फेंक दिया, वो देखिए गाइस बैट मार दिया। गाइस अभी रन के लिए दौड़ रहे हैं, देखिए गाइस आउट आउट नहीं है। गाइस ये देखिए, टावर के पास से कुछ लड़के लोग खड़े हैं, मैच को सीन कर रहे हैं, और ये उसके पास एक टावर खड़ी है, देख सकते हैं। यहाँ पे दो बाइक भी खड़ी है, बाइक से लोग आए हैं मैच खेलने के लिए। और देखिए सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस देखिए, ये भैया भी आँख से थोड़ा सा लाचार हैं और यहाँ पे मैच देख रहे हैं। गाइस इधर देखिए, सब लोग जितने हैं सबके सब मैच देख रहे हैं। इधर एक भाई भी हंस रहा है देख के। गाइस इतनी कड़क धूप है कि यहाँ पे सब देखिए मैच खेल रहे हैं। देखिए दो रन। सो गाइस अभी हम लोग ताल से आ चुके हैं। ताल के कुछ ही दूरों पे एक दादी है, वहाँ पे टिक्की आलू टिक्की की स्नैक शॉप लगाती है। अभी चलते हैं वहाँ पे, आलू टिक्की भी खाएंगे और आप सभी को दिखाएंगे, इतना सस्ता इतना टेस्टी मिलता है कि क्या बताएं। तो चलते हैं वो शॉप पे, आपको दिखाएंगे, तब तक वीडियो में बने रहिए।
गाइस ये देखिए, इन्हीं लोग की जिंदगी एकदम मस्त में कट रही है, मस्त खा पी के लेटे रहते हैं, कोई परवाह नहीं जिंदगी क्या हो रहा है क्या नहीं, एक हम लोग को देख लीजिए, दिन रात कुत्ते की तरह खटो फिर भी कोई गम नहीं। गाइस बहुत ही जल्द हम लोग को वो टेस्ट मिलने वाली है जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दादी के शॉप पे, जिनका टिक्की एक नंबर का है। आइए तो चलते आपको दिखाते हैं उस वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस यहाँ से आपको दादी का शॉप दिखता होगा जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्नैक खाने के लिए, तब तक वीडियो में हमारे बने रहिए और सीन करते रहिए, और आप सभी को तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक दादी का शॉप नहीं आ जाता, तब तक वीडियो हम लोग चालू ही रखेंगे, वीडियो बंद मत करना धीरे भाई। अभी दादी के शॉप पे हम लोग पहुँचने वाले, बहुत ही ज़्यादा नहीं 10 कदम तो दूरी है भाई, चैन लगवा लो चैन। अभी दादी की शॉप पे हम लोग आ चुके हैं, आइए दादी की शॉप पे अभी चैन। दादी क्या छान रही है? समोसा। देखिए गाइस दादी समोसा छान रही है, इनका समोसा दिखाएंगे, गरम गरम समोसा छान रही है। और दादी कितने का है? 6 रुपए का 2 समोसा। गाइस इतना सस्ता आज तक आपने समोसा कहीं खाया ही नहीं होगा जितना सस्ता यहाँ पे मिलता है। और टिक्की 5 रुपए का 2 मिलता है, आलू टिक्की 5 का 2 मिलता है। तो गाइस ये देखिए टिक्की गरम गरम छन रहा है, इधर पे आलू बना हुआ है और इधर गरमा गरम समोसा छन रहा है, गाइस देख सकते हैं। और गाइस अगर आप सभी को ये खाना हो तो प्रयागराज वाराणसी के बीच में भदोही जिला गोपीगंज पड़ता है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है बैदा सोनखरी के आगे, वहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं, सोनखरी के आगे बैदा, और एक गांव है वहाँ 5 रुपए का 2 और 6 रुपए का 2 समोसा है। देखिए भाई एक कस्टमर हमारा आ गया है, क्या नाम है बताओ, नाम बताओ अपना, क्या नाम है? रोहित। क्या? रोहित यादव। तो दादी का आलू टिक्का खाने आए हो? तो गाइस ये भी खाना हो तो वाराणसी प्रयागराज के बीच में जो भदोही जिला गोपीगंज पड़ता है और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सोनखरी बैदा खास, तो वहाँ पे आके आप लोग विजिट करिए और अपना आलू टिक्की समोसा छोला खाइए, एक नंबर का है। देखिये गाइस एक प्लेट छोला समोसा 10 रुपए का है, आपको बाकी सारे मार्केट से बहुत कम प्राइस में यहाँ पे आपको मिलेगा। गाइस अभी हम लोग आलू टिक्का और छोला समोसा खा चुके हैं, अब चलते हैं अपने घर के लिए रवाना होते हैं, तब तक वीडियो को एंड करते हैं। और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आप सभी को हमारा लिंक मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।